हाँ रवि, हाँ वो मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन। हाँ और आकाश, और कैसा है? बस अच्छे हैं। कॉलेज के बाद अब मिल रहे हैं यार, चला जा, चाय पीते हैं। नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा, चला जा। चल और सब कैसा चला है? घर पे सब बढ़िया? अच्छे सब। तुमने जो जॉब की बात की थी तो मैंने 3-4 दोस्तों को बोल के रखा है, जैसे रिक्वायरमेंट आएगी बता देंगे। वैसे तो अपने साथ में जॉब पे रख लेता, लेकिन स्टाफ बोले तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त बताए तो मुझे बता देना, तब तक के लिए कहीं और ट्राई कर लेंगे। अच्छा, वो रहने के लिए रूम चाहिए था, मिल जाएगा? रूम ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मेरे घर पे रुक जा। नहीं नहीं यार, 1-2 दिन की बात होती तो पक्का रुक जाते, अब तो रहना ही यही है तो फिर। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो फिर ढूंढते हैं। ये रूम कैसा लगा? अच्छा है, चलेगा। ठीक है ठीक है, चलते हैं फिर। हाँ भैया, हम लोकेशन पे आ गए हैं, आप आ जाओ। रूम के लिए आपने कॉल किया था क्या? हाँ हाँ, तो आ जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये रूम है। ये रूम है? फोटो में तो कुछ और, इसमें कुछ और ही दिख रहा है। अरे वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, जिससे कि लोग आए। अब 6,000 रुपये में खाना पीना रहना, अब ऐसी सुविधा कौन देता है? और कहाँ है ऐसी सुविधा आजकल ऐसे टाइम पर? यार ऐसा हो तो नहीं चलेगा। अब चलेगा ना यार, रूम तो देख, कैसे कैसे चलेगा ये सब। वो रह लेंगे ना हम, चलेगा। तू आ, अब चलेगा ना यार, 1 महीने की तो बात है, जॉब लगते ही बदल देंगे रूम। ठीक है भाई, देख ले, तुझे रहना है, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, 6,000 रुपये भाड़ा और 6,000 रुपये डिपोजिट, टोटल 12,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। बात तो हमारी 6,000 की हुई थी। अरे डिपोजिट का इसीलिए नहीं बोला क्योंकि डिपोजिट हर जगह चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा। चलेगा ना यार, वो डिपॉजिट आपको दे देंगे, भाड़ा बाद में दे देंगे, चलेगा ना? ना 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 भाई, ऐसा नहीं होता है भाई। चला लीजिए ना, अभी पैसे थोड़े इतने नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, दे देंगे कुछ दिन में भाड़ा। हाँ चलो ठीक है, पर भाड़ा दिए बिना भाग मत जाना। नहीं, भागना होता तो आते ही क्यों। वो भी ठीक है, सही है। थैंक यू भाई। यार इसमें भी मुझे शर्मिंदा करेगा। अच्छा ये सब छोड़, टेंशन मत ले, जॉब का मैं कुछ करता हूँ। और फिलहाल में मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है ना? कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी हो, मुझे कॉल करना, काम हो तो कॉल कर देना। हाँ मैं निकलता हूँ। ये बीकेसी ऑफिस यही है? हाँ, वो इंटरव्यू देने जाना था बीकेसी ऑफिस में। वो एम्प्लॉय के इंटरव्यू चल रहे हैं उसके लिए। हाँ तो भाई फॉर्मल कपड़े पहन के, पैरों में नए जूते लगे और ये क्लीन शेविंग करा के आओ, वरना ये लोग तो देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। हेलो रवि, आओ आकाश, आओ। अरे कल मैं बताना भूल गया ना, इंटरव्यू देने जाना था, फॉर्मल कपड़े पहन के जाना, तो जल्दी जल्दी मैं बता नहीं पाया, तो मैं लेके आता हूँ। ये ले फॉर्मल कपड़े, इंटरव्यू अच्छे से देना। हम्म, वो वैसे तो मैं कपड़े खरीद लेता पर वो थोड़ा अर्जेंट है ना, इसलिए। इतना मत सोच, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बिंदास बता, इसमें इतना टेंशन मत ले। हम्म सर, ये मेरी बीए की डिग्री है सर। ठीक है, कंप्यूटर आता है, डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। नहीं सर, पर सिखाओगे तो सीख जाऊंगा सर। सीख के आओ। भैया, यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है? नहीं दोस्त, इधर तो वैकेंसी फुल है, कहीं और ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सर, ऑन पेपर देखा जाए तो अभी भी गांव में बिजली है सर, अस्पतालें हैं, अच्छी स्कूलें हैं, पर ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे तो इनमें से कुछ भी ढंग का नहीं है सर। हम्म पर ये तो आप अपनी दुविधाएं बता रहे हैं। हम आपको जॉब पर क्यों रखें? क्योंकि सर मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा सर। वो तो हर कोई करता है, आप में ऐसी क्या खास बात है? सर आप जो कुछ भी काम दोगे वो मैं टाइम पर कर दूंगा सर, और पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करूंगा सर। हम्म ठीक है, कुछ होगा तो बताएंगे। सर, थैंक यू। हाँ मम्मी प्रणाम। हाँ हाँ लग गई नौकरी। हाँ सैलरी भी अच्छी है। नहीं खाना तो हमने दोपहर को होटल में खाया था, बोनस मिला था ना इसलिए। हाँ हम करते हैं बाद में फ़ोन। हाँ रखते हैं। मैंने जिन जिन दोस्तों से बात करके रखा था उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। 2-3 जगह मॉल में पूछा पर कुछ ना हो पाया। मेरे ऑफिस में स्टाफ अभी भी फुल है। कोई बात नहीं, सोच रहा हूँ जब तक जॉब नहीं लगती तब तक कुछ छोटा मोटा काम धंधा ही कर लेता हूँ, जो थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए। अभी इस ऑफिस में देते हैं इंटरव्यू, जॉब लगे तो ठीक है, नहीं लगी तो कहीं और जाके ट्राई करेंगे। हाँ भैया, अच्छा यहाँ आए हो। हाँ हाँ मैं आता हूँ। हाँ और भैया कैसे हो? गांव में सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया। आप इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं भैया। हाँ वो ऑफिस के कपड़े हैं। और कैसे आना हुआ यहाँ? भैया हमारी छोटी बहन है ना मुन्नी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और आपकी अम्मा ने कहा था कि आपकी यही नौकरी लगी है। थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप मदद कर देते तो इसी उम्मीद से आए थे। हाँ और भी ज़रूरत हो तो बताना भैया, चलते हैं। आप आइए ना, आइए ना, बैठिए। नहीं, चलेगा चलेगा, बैठना नहीं है। आपका किराया नहीं आया अभी तक? हाँ वो मैं कुछ दिन में दे दूंगा भाड़ा। पिछले 2 महीने से बोल रहे हो कुछ ही दिन में दे दूंगा, कुछ ही दिन में दे दूंगा। अभी थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है ना, इसलिए इस बार दे दूंगा पक्का। पैसे का प्रॉब्लम है तो एक काम करिए, इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और हम किसी को भी रख सकते हैं। जो हमें टाइम पे पैसा देगा उसको हम रख लेंगे। बस ये लास्ट बार एक चांस दे दीजिए, मैं दे दूंगा पैसे। हम्म लास्ट चांस दे रहा हूँ, 3 4 दिन में पैसे करके दे दो, नहीं है तो निकल जाओ। ठीक है। भाड़े के लिए पैसे नहीं तो रहने क्यों आते हैं। यार हम यहाँ पर कब से बैठे हैं, कुछ सोच क्या रहा है? कुछ बोलेगा भी? हम घर जा रहे हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएगा ना? नहीं। क्यों? तुझे तो पता ही है रवि, हम जिस गांव से आते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8वीं या 9वीं तक पढ़ते हैं, फिर या तो खेती कर लेते हैं या तो कारखाने में जाके छोटा मोटा काम कर लेते हैं। एक हम ही थे जो कॉलेज तक पढ़े। सोचा शहर में जाके अच्छी नौकरी लेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे तो गांव में कुछ बदलाव लाएंगे, लोग हमें देख के अपने बच्चों को आगे तक पढ़ाएंगे। कुछ ना बदल पाए, उल्टा घर वालों से झूठ बोलना पड़ा कि हमारी नौकरी लग गई। वो भी झूठी उम्मीद में बैठे होंगे। घर जाए भी तो क्या मुंह लेते, घर वाले क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या क्या बोलेंगे। और अब सोच लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे। तो बड़ी उम्मीद से पढ़ाई लिखाई करके शहर में नौकरी लेने गए थे, मुंह लटका के आ गए वापस। कब तक बोलेंगे? 1 दिन 2 दिन 1 महीना या 1 साल, तो भूल जाएंगे। और हम भी भूल जाएंगे कि हम भी कभी शहर में नौकरी लेंगे। यार 1 महीने रुक जाना, कहीं ना कहीं तो नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगनी होती तो अब तक लग गई होती। वैसे भी तुझे बड़ा परेशान किया है यार, पिछले 2 महीने का भाड़ा भी तू नहीं भरा, ऐसे भी उधार दिए। अब तुझ पर और बोझ बनना नहीं साहब। यार ये सब छोड़, भाई हो तू मेरा, जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब तू मुझे दे देना। नौकरी लग जाएगी तब हमें नहीं लगता अब हमारी नौकरी लगेगी। घर जा, जी आपने हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। आकाश, वी हैव अ वैकेंसी, आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? जी जी गुड, तो कल से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, कांग्रेचुलेशंस आकाश।